ये केस बुक करा दिए, सेक्शन लगा दिए उसको 447-427-295-IPS-52AWA, समझे आप, FIR दर्ज कर दिए, क्रिमिनल केस बुक कर दिए ये लोगों के नाम पे, विनोद रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी और MD शाहनवास, ये लोगों के ऊपर FIR भी बुक होगा और ये लोग अरेस्ट के लिए जो ना पुलिस निकली हुई भी है, ये लोगों को छोड़ते नहीं और वहाँ पर इंशाल्लाह ताला आज असर ने तो मगरिब की नमाज़ क्योंकि वहाँ साफ सफाई चल रही है, वहाँ पर पूरी हमारी टीम गई हुई है, सर्वेयर MRO सबको भिजा दिए हम, पुलिस भी जो है ना कॉर्पोरेट कर रही है वहाँ पर, कॉपरेट कर रही है वहाँ पर, अल्लाह चाहे तो नमाज भी होंगी वहाँ पर, हाँ हम भी विजिट करेंगे वहाँ, चाहे बैठने को है क्या, वैसा रहा तो जाना पड़ता है स्पॉट पे, कोई भी रंग बराबर मस्जिद तामीर होंगी, वक्फ बोर्ड से तामीर होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप, और कुछ कि इन लोगों को भी जो है कोर्ट में डाल के उन लोगों ने पट्टा पानी वो है कहते हैं डुप्लीकेट बना लिए सो, वो भी कैंसिल कराने के लिए उल्ला भी कोर्ट को कहता हूँ, हम भी कोर्ट को जाएंगे, वो हाई कोर्ट को बोल के है और इमीडिएट वो पेपर निकालने के लिए भी हम MRO को वे भिजाए, सर्टिफाई कापी अलग लोगों के रजिस्ट्रेशन किए हुए हमारे पास नहीं है ना, वो वहाँ से लेके हम लोग इन लोगों को अरेस्ट भी कराएंगे पूरी तरीके से और हम कोर्ट में भी जाके करेंगे और कैंसिल करा देंगे उनकी सेल डीट, जो 9 एकड़ 20 मिनट है वो सेल डीट कैंसिल होंगी, वो अब ये हो रहे ना, ये तो दूसरे तरीके से वाले पहले जो बेचा, इधर सुनो आप, जो बेचा जो खरीदा उसके ऊपर कैसा बराबर लगाते पेपर जो बोल रहा है उस पर काम करेंगे ना हम, हवाई फेयरिंग थोड़ा ही करेंगे, मुतवल्ली है क्या जिस पे केस बुक किया गया है, किस पे मुतवल्ली नहीं है, इनामदार बोल के जो है, ये देखो विनोद रेड्डी बोल के है, सत्यनारायण बोल के एक है, MD शाहनवाज बोल के है, ये सब जो है मिली जुली भगत है, यही नहीं इससे पहले भी मस्जिदा हैदराबाद में भी तोड़ के प्लॉटिंग करे सो है, नामा नहीं बोलता हूँ भाई, नामा पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, समझे आप, मस्जिदा तोड़ के जो है ना प्लॉटिंग करके जो है ना करोड़पति बने हुए है, वो जगह है ये, बढ़ाने का सवाल नहीं है, नंबर अल्लाह मियां पहले से बढ़ाया हुआ है अपने, कोई बढ़ाने बंदे के हाथ में नहीं है, सब अल्लाह के हाथ में, नंबर बढ़ाना कम करना इज्जत देने वाला, ठहरो जी, इज्जत देने वाला जिल्लत का दाताला है, समझे आप, अगर हम कहीं भी है तो मेरा बताओ, चेयरमैन आके अजी साइन कर दिया बोल के, एक साइन बता दो आप मेरे को, मेरी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता हूँ वफ को, गरीबों को, एक बता दो साइन खाली, पूरे 5 साल के पीरियड में और पहले के 4 साल के पीरियड में, अल्लाह का एहसान है कोई उंगली से बता नहीं सकते, अब वहाँ मर्डर होगा तो होम मिनिस्टर जाके क्या करेंगे, वहाँ पर CM है देखा, वहाँ पर मर्डर आवाज हो जाएगा, खाली बोल सकते, कंट्रोल कर सकते, बड़े ऑफिसरों को बोल सकते, तो ऐसी बात है भाई, जरा सोच समझ के बोलिए आप लोग भी, शामीरपेट की मस्जिद बराबर, आप 8 लाख करने से कैसे भी ना बचे, 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे, अब कल मस्जिद जो है डिमोलिश करे तो जो है ना कौन करे, गवर्नमेंट करी, वर्कआउट करा, मालूम ही नहीं है नॉलेज में नहीं है, जैसा मालूम होते पेपरों में भी उल्टा सीधा लिख दिए कि केस भी बुक नहीं कराए हुए बोल के, या केस बुक कराए केस की कापी है यहाँ पर, कल हमारा पूरा टास्क फोर्स टीम वर्कआउट की जाके हम लोग को फॉलो करके, CO फॉलो करे, मैं फॉलो करा करके जो है ना कैसा बुक कराए वहाँ पर, जो जो करे सवालों के ऊपर, वो लोग अरेस्ट वारंट है वो लोग, और वहाँ काम भी चालू करा दिए हम लोग वहाँ पर, समझे आप, के ऊपर कराए, समझे आप, 2011 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो लोग बेचे, अहमदुल्ला थे कौन थे उस टाइम पे जो है, वो लोग बेचे, बेचने के बाद में उन्हें और एक जना दूसरे को बेचा, बेचने के बाद में ये लोग जो है ना 3 दिन पहले बोले गए थे गंवालों को, तो गंवालों का काम है ना यहाँ वक्फ बोर्ड को इत्तला करना, अगर तुम्हारी दम नहीं है वहाँ पर तो हमारे को बोले, तो हमारी टीम जाती है, हम जाते हैं स्पॉट पे जाके रुकाते हैं हम, समझे आप, हमको जहाँ भी मालूम है बने मस्जिद बोले तो 7 मस्जिदा खोले KCR साहब की गवर्नमेंट में, कौन किसकी गवर्नमेंट में इंडिया में कौन खोला बोलो, समझे आप, मस्जिदा तोड़े बोल के पुकार रहे लोग, हाँ कांग्रेस के दौर में खुद मस्जिदा टूटे, मस्जिद फारूक एयरपोर्ट की रनवे की मस्जिद, रनवे में मस्जिद गई, उन्हें बोल रहा 70 से क्या की बोल रहा, वो कौन की हो फिरोज खान का भाई, चिल्लरों को मालूम ही नहीं है कानून क्या है, हर चीज़ क्या है, अल्लाह से डरो रे, खाली पॉलिटिक्स खेल लिए तो हो जाता है ऐसा, ऐसे कितनों को देख लेते हैं यार हम 40 साल से, ऐसे लोगों से डरते बैठते क्या हम यहाँ पर, हम अल्लाह से डर के काम कर रहे हैं यहाँ पर, फ्री सर्विस दे रहे हैं अल्लाह के हाथ से दे रहे हैं हम, किसी को खुश करने को नहीं दे रहे हम, और KCR साहब भी ये मामले में नहीं,
कांग्रेस जो है आई तभा करके गई टीडीपी भी तबाह को दी है आरएमबी की कोई गवर्नमेंट दी है ऐसा उठा के वकपट को लियो जमीन बल के अनिसिल कुर्बा इतना बड़ा बन रहा है यहाँ पर चौरस्ते पे 22 करोड़ रुपये सेंक्शन करे। अरे वैसे बहुत चीज़ें हैं अब केसीआर साहब की तारीफ कर रहे बोल तो करना पड़ता। कौन दिया 20 लाख रुपये स्कॉलरशिप केसीआर साहब की गवर्नमेंट में दिए? कौन दिया मतलब शादी मुबारक स्कीम में 18,000 देते थे पहले 1 लाख चिल्लर दे रहे हैं मतलब गरीबों को ऐसे कहे स्कीम है सेकुलर सीएम बोलते वाकई सेकुलर सीएम है मगर अब क्या सीएम साहब जाके देखेंगे मस्जिद कौन तोड़ा बल्कि मालूम होते वहाँ पर कैसा भी बुक हो गए। अब कल बोले पेपर वाले जो है ना कैसा बुक नहीं हुए कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं करे खाली आके ठहरे खाली आके ठहर के झंडे लेके फिरने से नहीं होता काले झंडे पीले झंडे समझे। अब काम पक्का अंदर से कराए सो है और वहाँ काम भी चल रहा है हमारी पूरी टीम लगी हुई है 10-15 आदमी हमारे वहाँ ठहरे हुए वहाँ पर मस्जिद कने और वो तोड़ाए वालों को भी छोड़ते ना अरेस्ट अरेस्ट कराया था खामोश नहीं बैठते वो लोगों को भी इंशाल्लाह नमाज भी होंगी वहाँ पर समझे। बन रही सुने जरा सेग्रेटेड मस्जिद बन रही फाउंडेशन रख दी है वहाँ पर पार्किंग की जगह कम है बोल के फिर प्लान चेंज हुआ उसका प्लान सेट कर रहे पार्किंग भी रहना क्योंकि रोड भी आ रही वहाँ अंदर बोल के वहाँ पर मस्जिद जो है 1-2 दिन में काम भी रमज़ान में नमाज होंगी इंशाल्लाह यहाँ भी कहाँ पर सेग्रेटेड की मस्जिद में भी हम लोग पूरा फॉलो कर रहे भाई। अब पब्लिक गार्डन की मस्जिद देखिए आप पूरा पानी पचर रहा था वो मस्जिद में भी वक्फ बोर्ड से 70 लाख रुपए सेंक्शन करे करके जो है इधर सुनो आप एक मिनट ठहरो भाई 70 लाख रुपए सेंक्शन करे यहाँ पर करके जो है ना वहाँ पर मस्जिद बन रही मार्बल फ्लोरिंग करा रहे हैं वहाँ पर जो जो शेड डाले थे पहले का बुदबुदा होगा था नया शेड डाला है वहाँ पर वहाँ फॉल सीलिंग करा रहे हाइट उठाए उसको आगे बढ़ाए शेड को ऐसे कई चीज़ें करते जा रहे हैं खामोशी से हम लोग क्या झंडे लेके बोलना क्या हम लोग ये कर रहे हैं बल्कि हाँ भाई वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट एक अरे सुने अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट की सपोर्ट रहने से 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है कैंसिल करे एक मिनट ठहरो भाई साहब बोलने दो ठहरिए एक मिनट एक करोड़ वैल्यू का नहीं 10 करोड़ लाख वैल्यू का होगा हम छोड़ते नहीं वो चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये है हमारी गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि जो है ना केसीआर साहब की गवर्नमेंट में 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए कई को है अगर ये गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं रही तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता नहीं होता क्योंकि किसकी गवर्नमेंट में हुए बोलो एक रजिस्ट्रेशन वफ प्रॉपर्टी का कैंसिल करे तो इंडिया लेवल पर बताइए आप समझे। आप मेरी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता हूँ अगर दूसरों की गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ बोले तो केसीआर साहब की गवर्नमेंट में ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ समझे। आप कितना भी पुकार लो लोग मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता हम अल्लाह से डर के काम कर रहे वफ का जो है ना काम।